वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह ही कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और उनको हम सॉल्व करने के लिए अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आज पढ़ेंगे। आज के एडिटोरियल मैं आपके लिए तीन जगह से लेकर के आई हूँ जो हमें इन आंसर्स में यूज़ करने। उसके अलावा हम दो एडिटोरियल और पढ़ेंगे, द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से। तो टोटल आज हम 6 to 7 एडिटोरियल्स इस पूरे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो पेपर नंबर 3 से है और क्वेश्चन कहता है कि री इमेजनिंग ऑफ फूड सिस्टम्स इज क्रूशियल फॉर क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक रिजिलियंस एनालाइज। तो अभी एक न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी, न्यूट्रिशन रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया था और उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। स्टेटमेंट कहता है कि खाद्य प्रणालियों की पुनः कल्पना जलवायु और आर्थिक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका हमें विश्लेषण करना है। ये हमारा जो आर्टिकल है डाउन टू अर्थ में निकला था और कल ही आपकी न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे ये आर्टिकल बनाया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 से है, सोसाइटी से है। क्वेश्चन कहता है टू फाइट द पैंडमिक इफेक्टिवली बिहेवियरल चेंजेस नीड टू कम इन मासेस, सोशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैन ब्रिंग अबाउट दोज चेंजेस एंड सेव लाइव्स कमेंट। मतलब महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए व्यवहार में बदलाव को जनता के बीच में आने की ज़रूरत है और सामाजिक विपणन रणनीति उन परिवर्तनों को ला सकती है और जीवन बचा सकती है, तो इस बारे में हमें टिप्पणी करनी है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 2 से है, IR का इशू ले सकते हैं, डिफेंस का इशू ले सकते हैं, सिक्योरिटी का इशू ले सकते हैं, कोई भी आप इशू ले लीजिए, ये उनमें से आएगा। और क्वेश्चन कहता है इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वल्स इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, मिलिट्री माइट, डिप्लोमेटिक रीच एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज वेदर आवर डिटरेंस पॉलिसी इज सूटेबल एज पर रियलिटीज। मतलब भारत और पाकिस्तान बराबर के नहीं हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख लीजिए या सैन्य या राजनीतिक पहुंच से देख लीजिए या फिर राजनीतिक प्रणाली से, तो इस संदर्भ में आपको विश्लेषण करना है कि क्या वास्तविकता के अनुसार हमारी निरोध नीति उपयुक्त है या नहीं। तो इस बेसिस ये हमारा जो आर्टिकल है ये ORF में छपा था कि वो ORF का आर्टिकल है। फिर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा द हिंदू का आर्टिकल है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं और इनको हम एनालाइज करते हैं। इसके बियॉन्ड हम दो आर्टिकल्स को द हिंदू से पढ़ेंगे और दो अन्य आर्टिकल्स को हम इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे ये आज 4 + 3 7 आर्टिकल्स होंगे, 7 एडिटोरियल्स आज आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा कल एक बच्चे की कॉपी मैंने चेक, मतलब बहुत सारी कॉपीज चेक करी हैं, रोज़ मैं एक कॉपी आपको दिखाती हूँ, तो आज भी एक कॉपी का एनालिसिस यहाँ पे लाइव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन है हमें इस वाले आर्टिकल से लिखना है, आर्टिकल है री इमेजनिंग फूड सिस्टम्स क्रूशियल फॉर क्लाइमेट इकोनॉमिक रिजिलियंस सेज न्यूट्रिशन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एनालिसिस है, इतनी अच्छी एनालिसिस आपको किसी और पेपर में नहीं मिलेगी क्योंकि डाउन टू अर्थ स्पेशलाइज करता है एनवायरनमेंट के इश्यूज़ में, तो आपका ये डाउन टू अर्थ से ली गई है। देखिए अब देख लेते हैं क्या इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल कहता है कि फूड सिस्टम, तो रिपोर्ट कहती है कि फूड सिस्टम जो है इंक्लूसिव होने चाहिए, मतलब सबकी नीड को जो है मीट करें, वो लोकल और डाइवर्स हों जिससे कि फूड सिक्योरिटी को एड्रेस किया जा सके, माल न्यूट्रिशन को कम किया जा सके, इकोनॉमिक और क्लाइमेट जो रिसिलियंस है लचीलापन वो लाया जा सके। ये 2020 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशंस जो है से पब्लिश करता है, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो पिछली रिपोर्ट हमारे पास 2018 की थी और अब वाली रिपोर्ट हमारी 2020 की अभी रिलीज़ हुई है। तो ये कहता है, रिपोर्ट कहती है कि इक्विटी जो है, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, मतलब कि सभी को इक्वली फूड मिल जाए, ये कॉर्नर स्टोन होना चाहिए, ये हमारा पॉलिसी का एक बेसिक मुद्दा होना चाहिए, इसके बेसिस पे हमें जो है फूड पॉलिसी डिज़ाइन करनी है। और अगर ये बेसिक हमारा जो है कॉर्नर स्टोन होता है ग्लोबल माल न्यूट्रिशन की फाइट में, तो हम पॉलिसी चेंजेस और फाइनेंशियल सपोर्ट को यूज़ करके हम जो है फूड सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे और उससे जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है वो इम्प्रूव होंगे और एनवायरनमेंट भी ज़्यादा सस्टेनेबल होगा। तो फूड सिस्टम क्या हुआ? फूड सिस्टम एक कॉम्पोजिट हुआ। तो अगर आप जब आप बनाएंगे इसमें तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, फूड सिस्टम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें जो है एनवायरनमेंट आता है, फिर आपका जो है पीपल आते हैं, फिर यहाँ पे आप लिख देंगे इनपुट्स आते हैं, फिर आप लिखेंगे प्रोसेसेस आते हैं, इस तरह से आप जो है एक सिस्टम सा बनाएंगे, टोटल सिस्टम बनाएंगे और ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है। फूड पीपल, फूड सिस्टम में क्या आएंगे, पीपल आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, इनपुट आएगा, फिर आपका प्रोसेसेस आएंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा,
फिर आपके इंस्टीट्यूशन आएंगे, फिर आपका क्या, ये सारी चीज़ें आकर के फिर आपका फूड सिस्टम बनता है। तो फूड सिस्टम में पीपल भी इंक्लूड होने चाहिए, एनवायरनमेंट के बेसिस पे फूड सिस्टम बनना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे, प्रोसेसेस क्या हैं और आपका जो ये इनपुट्स क्या हैं, इन सबको बन के, इन सबको मिला के तब हमें फूड सिस्टम डिज़ाइन करना है। अब देखिए, हर जगह पीपल अलग होते हैं, इनपुट्स अलग होते हैं, प्रोसेसेस अलग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, तो इसीलिए सेम फूड सिस्टम पूरी कंट्री में या पूरे रीजन में वर्क नहीं करता या पूरे विश्व में वर्क नहीं करता। और इसमें जो है आउटपुट भी इंक्लूड होने चाहिए, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स और एनवायरमेंटल आउटकम्स ही फूड सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती हैं, फूड सिस्टम आपस में, ये सारे जो सब सिस्टम्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट हैं और ये कलेक्टिवली जो है साथ सब मिल करके इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डाइट को और बाकी आउटकम्स को, जैसे कि न्यूट्रिशन और हेल्थ। जितनी अच्छी हमारी डाइट होगी, न्यूट्रिशन भी हमें उतना मिलेगा, जितना न्यूट्रिशियस हम फूड खाएंगे उतना अच्छा हमारी हेल्थ होगी। तो फूड सिक्योरिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पर और न्यूट्रिशन पर, और ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं कंट्रीज़ को एड्रेस करने के लिए, और स्पेसिफिकली नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से इनके ऊपर एक्ट करने के लिए अर्जेंसी है। तो पहली चीज़ क्या, पुअर न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन का क्या आपस में कोरिलेशन है? तो ये देखिए, पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन ने लोगों को ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया वायरस के लिए। जो लोग हेल्दी हैं, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ पा रहा है और वायरस को मात दे रहा है, तो वहाँ पे मोर्टैलिटी रेट कम है, और जहाँ पे पुअर हेल्थ और न्यूट्रिशन पुअर है तो वहाँ पे मोर्टैलिटी रेट भी बढ़ जा रहा है। तो जब हम बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन की, तो उसमें जो है फूड सिक्योरिटी और फूड हेल्थ न्यूट्रिशन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, ये हेल्पफुल हो सकते हैं, बट ये क्रिटिकल है कि अगर हमें जो है अच्छा बनना है, अगर हमें रिजिलिएंट बनना है, रिजिलिएंट मतलब एबिलिटी टू बाउंस बैक, वापस आने की क्षमता, तो अगर हमें रिजिलिएंट बनना है तो हमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा हेल्थ में, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने होंगे फूड सिस्टम के अंदर। तो हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, फूड सिस्टम में। फूड सिस्टम के हमने सब कंपोनेंट्स देखे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, फिर आपका आ जाएगा एनवायरमेंट, फिर आपका आएगा प्रोसेसेस, फिर आपका आएगा इंस्टीट्यूशंस, इन सभी चीज़ों में हमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि हम अपने न्यूट्रिशन के टारगेट्स को मीट कर सकें, ये रिपोर्ट का कहना है। अब माल न्यूट्रिशन को हम मेन स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं, फूड मतलब माल न्यूट्रिशन को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं फूड सिस्टम को यूज़ करके। तो माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो रिपोर्ट का कहना है इंडिया अपने माल न्यूट्रिशन के टारगेट को मिस कर सकता है, और माल न्यूट्रिशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में 40% जो हमारे बच्चे, ये फैक्ट बुक में आपको डालना है, एफवी में डालना है, ठीक है। तो इंडिया में 40% जो हमारे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और जो भी कंट्री, कोई भी कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट का आपका आउटकम है, कि कोई भी कंट्री 8 न्यूट्रिशन टारगेट्स को ग्लोबली मीट करने की अभी कंडीशन में नहीं है। तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो, नो कंट्री, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रिशन टारगेट्स को मीट कर पाए। फिर उसके अलावा अभी एक और रिपोर्ट आई थी लैंसेट में, तो लैंसेट में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसका कहना था कि हमारी जो अंडर 5 मोर्टैलिटी है, रेट है, वो कम हुआ है। मतलब बच्चों का जो मृत्यु दर है, 5 साल से नीचे की मृत्यु दर है, वो कम हुई है ओवरऑल, बट 49 पॉइंट हमारी डिक्रीज हुई है 2000 से लेकर के 2017 में। मतलब 2017 में हमने 49 पॉइंट्स से अपनी जो मोर्टैलिटी रेट है उसको डिक्रीज़ कर दिया है। बट एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक इनइक्वालिटी देखी गई है, इनइक्विटी, मतलब कुछ स्टेट्स में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कुछ स्टेट में ये आउटकम काफ़ी लो रहा है। तो ये इनइक्वालिटी स्टेट्स में देखी गई है। अब ये इनइक्वालिटी किस वजह से है, तो मोर्टैलिटी इतनी ज़्यादा होती है, मतलब मृत्यु दर बच्चों का बढ़ जाता है अगर माल न्यूट्रिशन का वो शिकार हों, तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है बच्चों में वो माल न्यूट्रिशन होता है। और इंडिया जो है अपना चाइल्ड मोर्टैलिटी के जो गोल हैं उनको अगर फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए उसको अपना माल न्यूट्रिशन की समस्या को चैलेंज करना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, हमें फूड सिस्टम को रिकैलिब्रेट करना होगा। तो आपने देखा होगा फ़ोन को रिकैलिब्रेट करते हैं, रिकैलिब्रेट मतलब दोबारा से बनाना, जो भी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग दोबारा से सिस्टम को डिज़ाइन करना। तो हमें क्या करना होगा, फूड सिस्टम को दोबारा से डिज़ाइन करना होगा। और हम चावल और अभी गेहूँ खाते हैं सभी, ज़्यादातर अगर इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो या तो चावल खाया जाता है या गेहूँ खाया जाता है। तो इससे मूव करके हमें नॉन स्टेपल की तरफ चलना होगा, वेजिटेबल्स का, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनका आपको जो है ईटिंग वो बढ़ानी होगी, फ्रूट्स खाना,
फ़िश खाना या फिर नट्स, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनका इनको ज़्यादा अवेलेबल करना होगा लोगों को, और धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर शिफ्ट करना है कि लोग इन चीज़ों को खाना शुरू करें, अपना जो हमारा स्टेपल है उसको कम करके इन सब चीज़ों को खाएं, यहाँ से न्यूट्रिशन आता है। और एग्रीकल्चर इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा स्टेपल्स को इम्प्रूव करने के लिए बायस थी, मतलब हम जो है अपनी फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे इंडिया में 1960s की अगर बात करें तो हम जो है फूड के क्राइसिस से डील कर चुके हैं, तो इसीलिए हमारी जो पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि हम अपनी जो फूड ग्रेन सिक्योरिटी है उसको बनाएं, और हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी उन्होंने फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया है, राइस की, वीट की और मेज़ की, और बाकी हमने डाइट्री डाइवर्सिटी को नहीं एड्रेस किया, मतलब हमने ये नहीं कोशिश की कि लोगों के खाने में जितनी ज़्यादा चीज़ें सम्मिलित हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ों का सम्मिलन करें, तो ये हमने एड्रेस नहीं किया। हमारा फोकस जो एज ए पॉलिसी मेकर था वो ये था कि हम जो है जो खाने की चीज़ वीट या राइस, दाल चावल या मक्का, इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ाएं, बाकी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। फिर अब हमें क्या करना होगा, हमें जो है इंसेंटिव करना होगा मिलेट्स की प्रोडक्शन को, मिलेट मतलब ज्वार बाजरा, इन सब को हमें, इन सब का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा इंप्रूव करना होगा। ज्वार बाजरा एक्चुअली बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, और अगर हम पहले की बात करें तो पुराने टाइम में मेडिवल इंडिया में ये हमारे स्टेपल फूड हुआ करते थे, वीट और राइस ये हमने अभी से खाना शुरू किया, और देखिए आज के टाइम में हमारी जो हेल्थ है ना वो कहीं ना कहीं वीट राइस के ओवर डिपेंडेंस की वजह से हेल्थ पे भी डिटोरेशन हुआ है। मिलेट्स को भी अगर साथ में मिला के खाएं तो हमारी न्यूट्रिशनल आउटकम काफ़ी बेटर होंगे, ये काफ़ी हेल्दी जो है फूड होते हैं, और इसी इनकी जो है अगर इनकी अवेलेबिलिटी हम बढ़ा देते हैं तो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, देखिए ज्वार बाजरा सस्ता भी होता है, तो उनके लिए जो रूरल पुअर हैं उनके लिए ना केवल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी बल्कि उनको जो है पैसा भी कम लगेगा, तो इसका जो हमें प्रोडक्शन है, इसका जो यूसेज है, इसकी अवेलेबिलिटी है मिलेट्स की, वो हमें बढ़ानी होगी। इंडिया की अगर काम बात करें तो यहाँ पर हमें डाइवर्स क्रॉप की मेन स्ट्रीमिंग करनी होगी, हमें PDS सिस्टम में, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या मिलता है, या तो गेहूं मिलता है या राइस मिलता है, चावल मिलता है या फिर आपका गेहूं मिलता है, अब हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिटी लानी है PDS सिस्टम में, जैसे हम मक्का देना शुरू कर सकते हैं, फिर हम जो है मिलेट्स का देना शुरू कर सकते हैं, और इवन ICDS के जो प्रोग्राम्स हैं जहाँ मिड डे मील देते हैं वहाँ पे भी हमें इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ICDS के प्रोग्राम में भी और मिड डे मील्स में भी डाइवर्सिटी हमें क्रॉप्स की लानी होगी। अब इकोनॉमिक रिजिलियंस कैसे ला सकते हैं, इसका प्रभाव जो है हमारी इकोनॉमिक रिजिलियंस पे कैसे पड़ेगा, पहली चीज़ है ये जो छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास बड़ी वैल्यू चेन के लिए एक्सेस नहीं होता, तो वो काफ़ी क्रिटिकल हैं फूड सिस्टम को इम्प्रूव करने में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80% जो कल्टिवेटर्स हैं वो छोटे किसान हैं, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, और ये रेन फेड जो है एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब इनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो आपका वर्षा पे डिपेंडेंट होता है, और ये सेल्फ सब्सिस्टेंस कल्चर कहते हैं, मतलब खुद के खाने के लिए सेल्फ मतलब अपने लिए, सब्सिस्टेंस मतलब सिर्फ रह खा पाएं, इसलिए वो एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ से उनका कोई प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं होता। तो अगर इनको हम इंसेंटिवाइज करें और इनकी हैंड होल्डिंग करें, मतलब इनको हम कोई मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करते हैं, इनको हम टेक्नोलॉजी से एक्सेस कराते हैं और इनको जो है समझाते हैं कि डाइवर्सिटी लेकर आएँ अगर क्रॉप प्रोडक्शन में, तो इससे जो लोकल वैल्यू चेन होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी और इनकी इनकम भी बेहतर हो पाएगी। मतलब अगर छोटे किसानों को हम बोलें, मान लीजिए हम वेजिटेबल उगाने के लिए उनको जो है प्रमोट करते हैं, तो क्या होगा, वेजिटेबल को बेचने से लोकल मार्केट में एक तो वो बिक जाती हैं, ज़्यादा दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी चीज़ उनका जो क्रॉपिंग का पीरियड होता है वो छोटा होता है, तो एक साल में वो कई बार क्रॉपिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, और अलग अलग वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, इससे न केवल उनकी लैंड जो है अच्छी रहेगी, लैंड भी सस्टेनेबल रहेगी, उसके अलावा उनकी जो इनकम होगी वो भी इम्प्रूव्ड आएगी, क्योंकि अगर आप स्टेपल फूड की बात करें तो मतलब अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो उसमें जो टाइम होता है वो भी बड़ा होता है, फिर उसके अलावा जो स्टोरेज प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसके अलावा जो आप इनकम अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा जो जनरेट कर सकते हैं वो वेजिटेबल से प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो जाता है, तो हमें डाइवर्सिटी लानी होगी और इसके लिए हमें छोटे किसानों को की हैंड होल्डिंग करनी होगी जिससे कि वो क्रॉप डाइवर्सिटी लेकर के आएँ, इससे पॉवर्टी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फार्मर की इनकम जो है इम्प्रूव हो जाएगी, नॉन फार्म लाइवलीहुड जनरेट होगा और ये सारी चीज़ें लोकली जनरेट हो पाएंगी। तो हमें जब शिफ्ट करना है डाइवर्स क्रॉप के लिए तो हमें चॉइसेस देनी होगी और उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर,
जो भी हमारा उधर का एनवायरनमेंट है उस बेसिस पे हमें चॉइस जो है डिज़ाइन करनी होगी फार्मर्स के लिए, और जिससे कि वो पर्टिकुलर क्रॉप वो ग्रो कर सकें। इसके लिए हमें पॉलिसी चेंजेस लाने होंगे। पॉलिसी चेंजेस किस डायरेक्शन में होने चाहिए? पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूट्रिशस एंड क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, मतलब PDS सिस्टम में हमें किस चीज़ का प्रोक्योरमेंट करना है, ऐसे क्रॉप का प्रोक्योरमेंट करना है जो न्यूट्रिशस है और जो क्लाइमेट चेंज को झेल सकता है, जैसे कि सॉर्गम हो गया या मिलेट्स हो गए। ठीक है, तो सॉर्गम और मिलेट्स मतलब ज्वार बाजरा, इन सब चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों को हमें PDS सिस्टम में इनका प्रोक्योरमेंट करना है। अच्छा, इनका जो सॉर्गम हो गया है, मिलेट हो गया, इसमें ना खर्चा बहुत कम आता है, किसान को बहुत ज़्यादा एरीगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये न केवल किसान के लिए बेहतर होगा, ये न्यूट्रिशस भी होगा, और हमारे PDS सिस्टम में अगर हम डाल देते हैं तो हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन हो पाएगी। तो इनका कंजम्पशन हमें बढ़ाना है PDS सिस्टम के थ्रू, और अवेयरनेस हमें जनरेट करनी है हेल्थ बेनिफिट्स की, और ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट के थ्रू करनी होंगी, और गवर्नमेंट को जो है प्रोक्योरमेंट करना होगा डाइवर्स क्रॉप्स का, जिससे कि डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप लोगों तक पहुंच सके। और क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? तो फूड सिस्टम जो है क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमने 1960s-70s में ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त हमने जो है पंजाब के एरिया में बहुत सारी चीज़ों का कल्टीवेशन शुरू कर दिया है, फॉर एग्जांपल राइस का कल्टीवेशन। अब अगर पंजाब की सॉइल की आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है वो राइस के कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती और वहाँ पे जो है ओवर हमें एक्सटर्नल जो है इरीगेशन के लिए पानी सप्लाई करना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ राइस की खेती नहीं हो पाएगी। तो ये एक चीज़ होती है कि जब हम फूड सिस्टम को लोकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को हम स्टॉप कर सकते हैं, और नहीं तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज पर फूड सिस्टम का इम्पैक्ट पड़ता है। एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, और इसी तरह से अगर हम स्टेपल का प्रोडक्शन बोलें, जैसे हम राइस का प्रोडक्शन बोलें, तो राइस के जो फील्ड है उससे मीथेन जो है निकलती है, तो मीथेन आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ये जो स्टेपल फूड्स होते हैं ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं क्लाइमेट, जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके, और ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वाटर के यूज़ को ये इम्पैक्ट करते हैं, आपकी जो क्रॉप लैंड है उसके यूज़ को उसको इम्पैक्ट करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को भी ये इम्पैक्ट करते हैं, फॉस्फोरस वगैरह को भी ये इम्पैक्ट करते हैं। तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये इंक्रीज़ फूड सिस्टम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज की तरफ, हम ये देखेंगे 2050 तक फूड सिस्टम एक तरह से हमारे पॉल्यूटेंट के रूप में उभर के सामने आएंगे, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो फूड सिस्टम की वजह से क्लाइमेट चेंज आगे हो सकता है। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में एग्रीकल्चर ने 16% कंट्रीब्यूट किया है CO2 प्रोडक्शन के लिए, और ये 2018 की बात कर रहे हैं क्योंकि हम 2 साल का एस्टिमेट लेते हैं। इसमें से बहुत बड़ा जो अमाउंट एमिट हुआ था मीथेन का और नाइट्रोजन का, वो लाइव स्टॉक से आया था, मतलब जो हम अपने जानवर चराते हैं उनसे हमारा बहुत बड़ा अमाउंट मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का आया था, और उसी तरह से फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन से भी हमारा जो नाइट्रोजन और मीथेन का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ था। तो जितना हम ज़्यादा अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, पैकेजिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग, रिटेल, प्रिपरेशन, इन सब में भी देखिए क्लाइमेट चेंज की तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो अगर इन सब को और इंक्लूड कर लेंगे तो क्लाइमेट चेंज की तरफ कंट्रीब्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। IPCC का ये कहना है कि ये सारे पैरामीटर्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं जब वो फूड रिलेटेड एमिशंस को काउंट करते हैं। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन रिपोर्ट कहती है कि अगर छोटे और लोकल वैल्यू चेन को हम कंसिडर करें, मतलब बड़ी वैल्यू चेन ना हो, छोटी सी वैल्यू चेन हो जो अपने विलेज में या आसपास के थोड़ा सिटीज़ तक ही केटर करे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो फूड कार्बन फुटप्रिंट होगा वो छोटा हो जाएगा। लॉन्ग वैल्यू चेन का जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ का प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल पंजाब में प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए वीट का, और वो वीट जा रहा है केरल तक, तो अब ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई ना, ये आपके कार्बन फुटप्रिंट में ऐड हो रही है। तो इसी तरह से अगर हमने छोटा सा एक वैल्यू चेन बना रखा है, लोकल अगर वैल्यू चेन है, सुपर मार्केट ड्रिवन अगर वैल्यू चेन है, लोकल वैल्यू चेन है मंडी तक, या आप अपने फार्मलैंड से फ्रॉम डोर अगर आप डिलीवरी करते हैं, तो इससे आपका जो एक वो हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट होगा वो कम होगा। और अगर सुपरमार्केट बेस्ड वैल्यू चेन होता है तो कार्बन फुटप्रिंट हमारा बड़ा होता है। लोकलाइज्ड चेन से हमें फ्रेश फूड मिलता है, क्योंकि अभी तुरंत जो खाना है तुरंत प्रोसेस होके उसकी अनप्रोसेस्ड ही मिल जाता है, घर में प्रोसेसिंग कर लीजिए। अब सुपरमार्केट में जो खाना जाता है
वो फ्रेश नहीं होता, उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, उसकी वैल्यू चेन बड़ी हो जाती है, फिर उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, उन सब चीज़ों की जो है कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है और हमें फ्रेश खाना भी नहीं मिलता, तो हम ये हेल्दी नहीं होता है। और इसीलिए जो डिसएडवांटेज, इससे इनइक्वालिटीज़ भी डाइट में बढ़ती हैं। तो एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसी वैल्यू चेन जो हमारी लोकल प्रोड्यूस पर थ्राइव करें उनको जो है देखना होगा, और उनसे हमें प्राइस भी चेक में रहेगा, अफोर्डेबल भी हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा टेक्नोलॉजी का जहाँ पे, और एक और चीज़ हमें करनी है कि टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करनी है जिससे कि लाइव स्टॉक से हमारी जो एमिशन्स हैं वो कम हो जाएं। इसी तरह से हमें हेल्दी फूड सिस्टम को जो है देखना होगा कि ये ऑर्गेनिक बेस्ड हो, हेल्दी जो हमें फूड सिस्टम बनाना है ऑर्गेनिक फूड सिस्टम बनाना है, इनऑर्गेनिक जो केमिकल एप्लीकेशंस हैं इनको ग्रेजुअली धीरे धीरे फेज मैनर में हमें रिड्यूस करना है। जैसे हमने अपना अगर हम बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की, तो हमने बहुत सारे जो CFCs हैं जैसे हमने फेज मैनर में उनको जो है हटाया था, इसी तरह से हमें धीरे धीरे जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको फेज मैनर में हटाना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है हमारी क्लाइमेट चेंज के लिए फर्टिलाइज़र का इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्टिलाइज़र जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट जो हमारा एग्रीकल्चर होना चाहिए उसमें पानी की कम खपत हो, तो हमें ऐसे क्रॉप्स बनाने यूज़ करने जो लेस वाटर इंटेंसिव हो, जैसे कि मिलेट्स की हमने बात की थी, सोरगम की बात की थी, वो डेजर्ट एरियाज़ में भी ग्रो हो जाते हैं और वो न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए ऑलरेडी फार्मर्स को पता है इन क्रॉप्स के बारे में, पर उनको कोई ख़रीदता नहीं है, क्योंकि कोई ख़रीदता नहीं है इसीलिए फार्मर्स उनको ग्रो नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें इंसेंटिवाइज़ करना है, मतलब इनको पॉपुलराइज़ करना है। हमें जो है इनको PDS सिस्टम के थ्रू, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट सबसे बड़ी परचेज़र है फूड ग्रेन्स की, तो अगर गवर्नमेंट PDS सिस्टम में ये आपकी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप को परचेज़ करने लगे तो फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा और वो पॉपुलर हो जाएंगे क्रॉप्स, और इनको जो है फार्मर्स फिर ग्रो करेंगे। इससे कंज्यूमर्स को भी जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए भी फूड सिक्योरिटी आ रही है, और इससे हमारी क्लाइमेट चेंज की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, बेटर इनकम आएगी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होगी। तो हमें इस तरह से अपना फूड सिस्टम को बेटर तरीके से डिज़ाइन करना होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका द हिंदू से लिया गया है, और क्वेश्चन का जो आंसर है हम यहाँ से डिज़ाइन करेंगे, पैंडमिक एंड द चैलेंज ऑफ बिहेवियर चेंज। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल, इसमें बहुत अच्छा जो है मॉडल दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस मॉडल को आप जो है बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं कि बिहेवियर चेंज लाने के लिए हमें क्या मॉडल बनाना चाहिए। तो ये आर्टिकल कहता है कि देखिए कोविड का जो क्राइसिस है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी WHO ने कल कहा था कि कोविड जो है हो सकता है कभी ना जाए, तो अब ये रियलिटी सी बन गया है हमारी ज़िंदगी की, इसे इस सच्चाई के साथ हमें रहना है। तो इस सच्चाई के साथ क्योंकि हमें रहना है तो अब हमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि ये एक सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म हो जाना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे एक नॉर्म के रूप में आना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली की मेट्रो में आपने कभी सफ़र किया है या मुंबई की लोकल्स में सफ़र किया है या फिर किसी भी ट्रेन के एक जनरल कंपार्टमेंट में आपने सफ़र किया है तो आपको पता होगा चाह करके भी आप फिजिकल डिस्टेंस के नॉर्म को नहीं बना सकते। तो ये हमारे जो है ऐसे अगर हम बात करें तो मतलब सोशल लाइफ का, तो फिजिकल डिस्टेंस एक हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा अभी तक नहीं है, ये हमारे बिहेवियर की आदत नहीं है, मतलब इंडियंस में की आदत ये फिजिकल डिस्टेंस की नहीं है। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे हाइजीन की, हैंड वॉश की, तो बार बार जो है हाथ धोने की आदत हम लोगों में नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें अब हमें बिहेवियर चेंज में, अब इन चीज़ों को हमें सच्चाई के रूप में लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए कंटेन ये बहुत अच्छी आपका पैराग्राफ है और आप इसको जो है इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। कोविड को कंटेन करना और हमारी इकोनॉमी को रिस्टोर करना, इसके लिए हमें अच्छे पॉलिसी डिसीजंस लगाने होंगे और मेडिकल एडवाइस भी यूज़ करनी होगी। बट इसके अलावा हमें और क्या करना है, इसके अलावा हमें बिहेवियरल चेंज लाने हैं जिससे कि सोशल और जो कल्चरल कन्वेंशंस हैं उनको तोड़ करके नए बिहेवियर को नॉर्मल किया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, ये अगर ये इंट्रोडक्शन आप यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में तो इसके बियॉन्ड आपको कुछ चाहिए ही नहीं, ये नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इस वाले आर्टिकल को, इस वाले पैराग्राफ को आप इस आंसर के इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे। अब देखिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर चेंज करना, और वो भी पूरी जनता का, 130 करोड़ लोगों का बिहेवियर आपको चेंज करना है। एक बंदे का बिहेवियर चेंज करते हुए ज़िंदगी लग जाती है, और आपने पेरेंट्स को देखा होगा,
बहुत बार आपको सेम चीज़ बोलते होंगे फिर भी आप वही काम करते हैं। तो एक पर्सन का बिहेवियर चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे में 130 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। बट अगर हम सोशल मार्केटिंग की साइंस को यूज़ करें, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करें, बिहेवियरल थ्योरी को यूज़ करें, तो हम लोगों के बिहेवियर के में चेंजेस ला सकते हैं और इससे जो है टारगेट ऑडियंस का भी बेनिफिट होगा, सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी जो है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है सोशल मार्केटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है ये हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये इरविन एम रोजनस्टॉक ने डिज़ाइन किया था, इस मॉडल को हमें यूज़ करना है। तो ये मॉडल अभी मैं आपको एक बार उसमें भी दिखाऊंगी, फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ, फिर मैं फ्लो चार्ट को अलग से भी एक्सप्लेन करूँगी, एक बार आप देख लीजिए कि मॉडल को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए ये आपका मॉडल है, इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है इस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन के बाद देखेंगे। ये आपका मॉडल है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @civilstayari को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है @civilstayari, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें नोट्स बना सकते हैं। तो इस मॉडल में बेसिकली तीन पिलर्स हैं। पहला पिलर क्या है कि परसीव्ड बेनिफिट कितना है हमारा, अगर हम बिहेवियर चेंज करते हैं तो क्या फ़ायदा है, और ये फ़ायदा हमें परसीव परसेप्शन वाला फ़ायदा होना चाहिए, मतलब दिखाई ना दे। कभी कभी मतलब हम बिहेव करते हैं क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है, तो हमें कितना फ़ायदा महसूस होता है, पहली चीज़ ये है इस मॉडल का पिलर। दूसरी चीज़ है कि हमें कितना नुकसान, मतलब ऑब्स्टिकल कितना परसीव करते हैं, कि मतलब अगर हम इस बिहेवियर को चेंज करेंगे तो क्या क्या हमें जो है रोड़े आएंगे इस बिहेवियर को चेंज करने में। तो परसीव्ड ऑब्स्टिकल हो गया, परसीव्ड आपका बेनिफिट हो गया। और तीसरा पिलर होता है आपका क्यू टू एक्शन का मतलब क्या, हमें इमोशनली कितने चार्ज हैं, मतलब हमें कौन जो है इमोशनल ऐसा चढ़ा रहा है कि हम सही में चेंज हो जाएं। अगर ये तीन चीज़ें हैं आपके मॉडल में तो आप किसी का भी बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो कल से देख लीजिए, किसी का बिहेवियर आपको चेंज कराना है तो किसी को परसीव बेनिफिट बताइए, किसी के परसीव ऑब्स्टिकल को कम कर दीजिए और इमोशनल थोड़ा सा टेंज लीजिए, तो आपका जो है बिहेवियर चेंज आप किसी के अंदर ला सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये आपका हेल्थ बेनिफिट मॉडल का कहना है। तो ये क्यूज़ इमोशनल हो सकती हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हो सकती हैं, एजुकेशनल क्यूज़ भी हो सकती हैं। ज़्यादातर इमोशनल को यूज़ करते हैं, पर उसके अलावा हम एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का एग्जांपल, इंडिया ने बहुत अच्छे से इस मॉडल को यूटिलाइज़ किया। एग्जांपल है, जब जनता कर्फ्यू की कॉल हुई थी, आपको पता है लॉकडाउन लगने से जस्ट पहले जो है एक दिन का जनता कर्फ्यू हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर ने हम सबको, हमारे सिटीजन्स को एग्जॉर्ट किया, हम लोगों को अपील किया था कि हम अपने लव्ड वंस की को जो है प्यार करते हैं, अगर हम पैट्रियाटिक हैं, अपने पैट्रियाटिज्म को डिस्प्ले करने के लिए हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, और सब ने इस बात को अबाइड किया। अक्रॉस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, अक्रॉस जो है कास्ट, अक्रॉस रिलीजन्स, सब लोगों ने अपने घरों में रहे और 5 बजे तक कोई भी घरों से बाहर नहीं निकला था। 5 बजे हमें जो है अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजानी थी, तो तब बजाते वक्त लोगों ने क्या किया, बाहर निकल गए। तो ये फियर, पैट्रियाटिज्म, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मैसेजिंग में डिज़ाइन की गई थी, पर इससे सही बटन्स हुए, 5 बजे तक हुए थे, बट एक प्रॉब्लम आ गई, लोगों का जो परमानेंट जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बिहेवियरल चेंज था वो नहीं आया था। तो फियर, पैट्रियाटिज्म, ग्रैटिट्यूड, इन सब को जो है हम इनिशिएट कर सकते हैं क्यू ऑफ एक्शन के लिए, ये एक इनिशिएशन पॉइंट हो सकते हैं कि हम चेंज हो जाएं। बट किसी का भी बिहेवियरल चेंज लाने के लिए हमें जो क्यू होते हैं एक्शन के, बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। तो यही चीज़ आपके प्राइम मिनिस्टर ने की थी, 2 बार, एक बार आपको थाली बजाने के लिए बोला, एक बार आपको मोमबत्ती चलाने के लिए बोला था, एक बार आपको लाइट बंद करने के लिए बोला था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्यूज़ के रूप में प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यूज़ की गई थी, जिससे कि हमारे जो क्यूज़ ऑफ एक्शन है उनको यूज़ करके बिहेवियरल चेंज को हम ला सकें। तो ये एक पिलर जो है उनके द्वारा यूज़ किया गया था। तो ये हमारा जो एग्जांपल है ये सिंगापुर ने भी फॉलो किया था, और इंडिया के एग्जांपल के बाद सिंगापुर ने सिंग टुगेदर सिंगापुर नाम का एक इवेंट जारी किया था, जिसमें लोगों को घर पे रहने के लिए कहा गया था, उनको गाने के लिए कहा गया था और वेव करने के लिए कहा गया था, टॉर्च को वेव करने के लिए कहा गया था, जिससे कि वो अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड शो कर सकें। तो अगर हम HBM की बात करें, हेल्थ बेनिफिट मॉडल की बात करें, तो इसको इफ़ेक्टिव होने के लिए सोशल मार्केटिंग मैसेज अच्छे से लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसको लोगों को बेनिफिट, परसीव बेनिफिट लोगों तक पता चलना चाहिए, लोगों को परसीव ऑब्स्टिकल्स जो हैं कम होने चाहिए, उसके साथ साथ इमोशनल या इन्फॉर्मेटिव कोई टिंच जिसके अंदर होनी चाहिए, तब हम जो है हेल्थ के अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। तो इस तरह की हमें मैसेजिंग करनी होगी। अब
एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल है आपका बांग्लादेश का। 1970s में बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने एक कैंपेन शुरू किया। तो उसने जो है फीमेल्स को टारगेट करके उनको परसीव बेनिफिट दिखाया कि देखिए अगर आप इसको कॉन्ट्रासेप्ट को यूज़ करती हैं तो आपका जो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर जो मेल्स थे, अब फीमेल्स तैयार थी, फीमेल अपना जो है बिहेवियर चेंज करने के लिए तैयार थी, पर फीमेल बेसिक डिसीजन मेकर नहीं थी, बेसिक डिसीजन मेकर थे मेल्स। तो हमें बेसिक जो बिहेवियर चेंज करना था वो मेल्स का करना था। तो मेल्स में हमने क्या दिखाया, परसीव बेनिफिट उनको शो करिए थे मेल्स को कि अगर फीमेल की हेल्थ अच्छी, अगर बच्चे कम होंगे तो फीमेल की हेल्थ अच्छी होगी, फीमेल की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपका ख्याल ज़्यादा रख पाएगी और आपके घर का फैमिली का ख्याल ज़्यादा रख पाएगी। दूसरी तरफ फीमेल्स के लिए उन्होंने ऑब्स्टिकल को कम कर दिया। ऑब्स्टिकल को कैसे कम कर दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव का रूरल एरियाज तक भी होम डिलीवरी करने लगे, जिससे कि कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करके फीमेल्स जो है अपने डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकें। और उसके साथ साथ इमोशनल टेंज भी दी गई थी। इमोशनल टेंज क्या दी गई थी कि अच्छी फैमिली छोटी फैमिली होती है, तो ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके वहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो ये इस तरह से हम हेल्थ बेनिफिट मॉडल को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड बिहेवियरल चेंज क्यों नहीं आ रहा है। पहली चीज़ ये है, एक छोटा सा सर्वे किया गया था, इनफॉर्मल सर्वे राइटर के द्वारा, तो वो कहते हैं कि लोगों से जब उन्होंने बात की थी चेन्नई में, तो पहली चीज़ लोगों को परसीव्ड बेनिफिट ज़्यादा नहीं समझ में आया था सोशल डिस्टेंसिंग का। उन्हें लगा कि अगर कोई असिम्प्टोमेटिक है, अगर किसी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अगर हम उसके पास खड़े होते हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक जो हमें यहाँ पे चेंज करना है, हमें जो है परसीव बेनिफिट देना है उनको, लोगों को समझाना है कि चाहे किसी के अंदर सिम्टम्स हो या नहीं हो, हमें क्या करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ लोगों ने परसीव जो ऑब्स्टिकल बताया वो ये था कि किसी को अगर हम दूर होने के लिए कहते हैं तो वो हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग रूड कहलाता है। तो ये रूडनेस, कल्चरल जो एक टिंच है अब सोशल जो डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ना फॉलो करने के लिए, उसको हमें रिमूव करना होगा। लोगों को ये समझाना होगा कि कल्चरली अगर हम किसी से दूर खड़े हैं तो ये एक रूडनेस नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए और दूसरों की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ हमें जो है अपने सोशल मीडिया कैंपेनिंग में ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। उसके अलावा जो तीसरा एक परसीव्ड ऑब्स्टिकल आ रहा है हैंड वॉशिंग की अगर बात करें, तो उसमें ये है कि बार बार लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने काउंटर पे ये सारा काम छोड़ करके हाथ साफ़ करके आए साफ से, सोप से और पानी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सैनिटाइज़र्स का अगर यूसेज बढ़ा दिया, हैंड बेस्ड जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है इनको अगर अवेलेबल करा दिया जाए और इनको अगर चीप करा दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि लोगों का एक जो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो है सैनिटाइज़र्स का यूसेज बढ़ाना है। तो ये देखिए, ये सजेस्ट करता है कि हम अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है सप्लाई हैंड रब्स की इंक्रीज़ करने का और उनकी जो कॉस्ट है उसको सब्सिडाइज कर देती है, तो हैंड वॉशिंग की जगह लोग जो है सैनिटाइजर्स को यूज़ करने लगेंगे और कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा हमारा जो बिहेवियरल चेंज है वो सैनिटाइजर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें परसीव ऑब्स्टिकल को ख़त्म करना है, या ऑब्स्टिकल को इसको ख़त्म करके सैनिटाइज़र के यूसेज को हमें इम्प्रूव करना है। एक और चीज़ हम इमोशनल क्यू के रूप में शेमिंग वाली पावर को यूज़ कर सकते हैं। नेम और शेम जो कैंपेन हमने स्वच्छ भारत के टाइम पे शुरू किया था, आपने एक ऐड देखा होगा जहाँ पे बच्चे जो है किसी को ओपन डेफिकेशन करते हुए देख लेते हैं तो उनका जो है उनको शेमिंग करते हैं पूरे गाँव में। उसी तरह से अगर हम एक ऐसा कैंपेन बना लें, और इसका काफ़ी बेनिफिट भी देखा गया था, ODF तुरंत जो है ओपन डेफिकेशन फ्री बहुत जल्दी विलेजेस हो गए थे जहाँ पे ये कैंपेन शुरू हो गया था। एडवर्टीजमेंट को देख करके बच्चों ने जो है सच में लोगों की मजाक उड़ानी शुरू कर दी जो लोग खुले में शौच करते थे, तो तुरंत जो है बिहेवियरल चेंज देखा गया, लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया। तो इससे हम एक चीज़ ले सकते हैं, इससे हम एक लेसन ले सकते हैं। इस तरह का ही हम कोई कैंपेनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम एक एडवर्टीजमेंट दिखाएं कि जो लोग COVID-19 की एडवाइजरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको जो है एडवर्टीजमेंट में शेम किया जाए तो इससे एक बिहेवियरल चेंज आएगा। लोगों को हमेशा दूसरों के सामने शर्मिंदा होने का डर होता है, तो ये एक हम बिहेवियरल चेंज यहाँ से ला सकते हैं। तो एक अच्छी वेल क्राफ्टेड सोशल मार्केटिंग कैंपेन, इससे COVID-19 का क्राइसिस जो है कम हो जाएगा, इससे हमारे फाउंडेशन भी ले होगी कि हम आगे की फ्यूचर पैंडमिक्स को भी स्टॉप कर पाएँ। तो चलिए ऐसी पॉलिसीज़ को हम बिल्ड करें जो साइंस पे बेस्ड हो और जो लाइफ्स को भी सेव करें और लोकल और ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक पर लेकर आएँ।
तो गाइस आज हमने पढ़ा है हेल्थ बिलीफ मॉडल, तो एक बार इसको जो है स्कीमेटिकली देख लेते हैं और ऐसे डायग्राम आप बना के आएंगे। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल ये जो है कहता है कि हेल्थ बिहेवियर तीन चीज़ों से स्टेम करता है। पहली चीज़ है परसीव्ड बेनिफिट, कितना फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है क्यूज टू एक्शन, मतलब इमोशनल ट्रिगर कौन कौन से हैं। अब इमोशनल ट्रिगर में होगा पेट्रियोटिज्म हो सकता है, फियर हो सकता है, प्राउड प्राइड वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं, नेमिंग एंड शेमिंग। ये तीन हमारे इस वाले आर्टिकल में दिए हुए थे इसलिए मैंने डाले हैं। इसमें आप और भी डाल सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे प्राइड कह देंगे आप, फिर सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म तो हो ही गया, ठीक है, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। परसीव्ड ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है, फिजिकल बैरियर्स जब हम नहीं कर सकते कुछ चीज़, और सोशो कल्चरल बैरियर्स जैसे कि सोशल और या हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं कि हम जो है वो हमें ऑब्स्टिकल सा महसूस होता है। अगर ये तीन चीज़ें हैं, अगर हम परसीव बेनिफिट को बढ़ा दें, क्यूज टू एक्शन मतलब इमोशनल ट्रिगर बढ़ा दें और परसीव ऑब्स्टिकल को कम कर दें, तो हम जो है हेल्थ बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और यही हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल कहता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल, तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से सॉल्व करना है। ORF में ये आर्टिकल आया था, नोशन ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फॉल्स इक्विवेलेंस क्या है कि देखिए दोनों इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था कि न्यूक्लियर पावर को एज अ डिटरेंस मेजर के रूप में यूज़ किया गया था। अब हंदवाड़ा में जब 7 टेररिस्ट मारे गए पर 9 इंडियन आर्मी के जवान भी शहीद हो गए, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि अभी रिसेंट मंथ्स में अप्रैल और मई में काफ़ी ज़्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं। उससे पहले भी इंटेलिजेंस के जो भी टारगेट्स हैं, मतलब हमारे मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको बनाया गया है टेररिस्ट के द्वारा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं जो फ्रीक्वेंटली वहाँ से इंडिया के अंदर क्रॉस करके टेररिज्म को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। थॉमस शेलिंग ने अपने एक वर्क में आर्म्स एंड इन्फ्लुएंस में 1967 में कहा था कि न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और USSR के लिए, क्योंकि ये जो है कोल्ड वॉर को मतलब कंटिन्यू करता है, वॉर कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने देता। मतलब दोनों कंट्रीज़ को पता है कि अगर वो एक मिलिट्री एक दूसरे के ऊपर कुछ भी इंटरवेंशन लेते हैं तो उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, अनइक्वल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों ने एक जैसे एक्शंस लिए थे और इनके जो असम्पशंस थे वो यही थे कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वही कैपेबिलिटी दूसरे के पास है, तो अगर हम दूसरे पे अटैक लॉन्च करते हैं तो इक्विवेलेंट हमारी भी जनता उसमें मारी जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम वॉरफेयर में क्या करते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मतलब हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो, हमारा डिटरेंस इतना स्ट्रांग हो कि दूसरी कंट्री हमारे साथ युद्ध करने का प्रयास ना करे। अगर हम इसी चीज़ को इसको कहा जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर युद्ध होगा तो दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा, तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए लोग जो आपका जो कोल्ड वॉर है वो हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो कंट्रीज़ क्या करती हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाती हैं जिससे कि अगर उनके ऊपर अटैक हो वो भी उतना सिमिलर अटैक दूसरी कंट्री के ऊपर डाल सकें। अब ये प्रोसेस जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का है, यही एक रीज़न था कि कोल्ड वॉर हॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ। दोनों कंट्रीज़ US और रशिया दोनों ने इन्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा अलायंसेस बिल्ड करने में, न्यूक्लियर अपनी जो आर्म्स हैं उनको बिल्ड करने में, डिटरेंस को उन्होंने एक्सटेंड किया था, आर्मी अपनी जो है स्ट्रॉन्ग कर ली थी, बेस कैंप्स बना लिए थे बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में, स्पाइनेज इक्विपमेंट्स करे होते, स्पाई नेटवर्क उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, एयरक्राफ्ट उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डेवलप कर लिए थे। तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जब होता है तो ये बाकी कंट्रीज़ में जो है वॉर को नहीं लाने देता। अब ये जो आपका MAD का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज के टाइम में अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में कंट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं। सभी कंट्रीज़ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं जिससे कि उनके ऊपर काउंटर स्ट्राइक ना हो सके, और अगर उनके ऊपर कोई स्ट्राइक होती है तो वो इक्विवेलेंट जो है काउंटर स्ट्राइक कर सकें। तो ये जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, पर ये इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। एग्जांपल देखिए, जैसे आप सीज़ फायर वॉयलेशंस की अगर बात करें
तो 2018-19 में 627 सीज फायर वायलेशन थे, 2018 में 627, 2019 में 685, और 2020 में ये 1144 हो चुके हैं पहले 3 महीनों में ही। तो हमने ये देखा कि सीज फायर वायलेशन 2020 में काफ़ी इंक्रीज़ हुए, मार्च अलोन में 411 सीज फायर वायलेशन हुए थे। अब ये जो डेटा है सीज फायर वायलेशन का, ये हमें नहीं बताता कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ था, कितनी ड्यूरेशन के टाइम फायरिंग हुई थी, कैजुअल्टीज़ सिविलियंस को कितनी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज को कितनी हुई, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को कितनी हुई। पर अगर इनको हम डेटा के साथ कोलैबोरेट करें, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स को देखें, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें इंडिया के और पाकिस्तान के, तो इससे ये हाईलाइट होता है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिससे कि डेटरेंस का जो क्लेम है वो हमारा थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, और इसी हमारी जो स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी है वो म्यूचुअली एश्योर डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे वर्क नहीं करेगी। तो पहली चीज़ क्या है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही हमारी जो है न्यूक्लियर पावर्स है 1998 से लेकर के, और दोनों अंडरग्राउंड टेस्ट कंडक्ट करती रहती हैं, एक जैसे इंडिया करेगी तुरंत पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद कर लेती है। कारगिल वॉर जो 1998 के तुरंत बाद हुआ था, वहाँ से भी ये जो है आपका ये समझ में आया था कि वॉर एक सॉल्यूशन नहीं है। तो रिपोर्ट हैं कि ऐसी क्रेडिबल रिपोर्ट थी कि दोनों कंट्रीज़ जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकती हैं, बट ऐसा हुआ नहीं था। और लिमिटेड यूज़ जो है एयर पावर का भी हुआ था इंडिया के द्वारा, और पाकिस्तान में नॉन एयर पावर का यूसेज हुआ था। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ इंडिया या पाकिस्तान दोनों की अगर हम बात करें तो ये जो है ज़्यादा मिलिट्री का यूज़ करके या आर्मी के जैसे आपके एयरफोर्स हो गई या न्यूक्लियर वेपन्स हो गए इनको यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो लिमिटेड यूज़ ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज़ जो है कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन नहीं करना चाहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को जो है, क्योंकि देखिए कारगिल को फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं कहते हैं, कारगिल को जो है कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, और एक जो है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का दर्जा इसको दिया जाता है। तो दोनों कंट्रीज उस वक्त लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट ही करना चाहती थी, वॉर की उन्होंने जो है कोशिश नहीं की, वाइडन करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में था कि न्यूक्लियर डिटरेंस है, दूसरी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को डिटर कर पाए थे। बट अगर हम बात करें पाकिस्तान के जो अटैक्स इंडिया के अंदर हुए हैं कारगिल के बाद, जैसे कि पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, मुंबई का जो अटैक हुआ था 2011 में, 26 आपका जो है 26 नवंबर को हुआ था, तो ये दिखाते हैं कि हम जो है प्यूनिटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रेटेंड हैं। हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस है बेसिकली हम जो है जो भी पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट आता है उसको न्यूट्रलाइज करने में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को जोड़ देते हैं, प्रोएक्टिव हमारे डिटरेंस के मेथड्स हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा जो डिटरेंस था हमने कोल्ड वॉर के टर्म्स में समझा है, हम ये सोचते हैं कि अगर जितनी हम कैपेबिलिटीज़ को अप कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक्स कम हो जाएंगे, बट ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी पाकिस्तान से ज़्यादा है। जितने आज तक हमने वॉर किए हैं या जो भी हमारी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं वहाँ पे हमेशा पाकिस्तान हारा है, उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से रिपीटेडली अटैक्स किए जाते हैं इंडिया के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअली एश्योर डिस्ट्रक्शन वाली जो हमारी जो एक हिंज था वो इंडिया और पाकिस्तान के में वर्क नहीं करता है, एक फॉल्स इक्विवेलेंस है स्टेटस के बारे में एज ए न्यूक्लियर पावर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान इक्वल न्यूक्लियर पावर नहीं है। इंडिया हमेशा जो है एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होती है और पाकिस्तान जो है काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा कोल्ड वॉर के लेंस से अगर हम अपने प्रॉक्सी वॉर को देखें तो क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म को ऐसे प्रॉक्सी वॉर के रूप में यूज़ करता है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है प्रॉक्सी वॉर को यूज़ करने की, इंडिया के ऊपर जो है मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की मिनिमम जो है एफर्ट से, ये काफ़ी जो है कोल्ड वॉर के लेंस में नहीं आती है, कोल्ड वॉर के लेंस से ये काफ़ी अलग है। तो दोनों कंट्रीज़ की अगर बात करें LOCs के तरफ से जो है इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से होता रहता है। अब इंडिया और पाकिस्तान इस एरिया में इक्वल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है कभी भी देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्च पैड्स हैं, टेरर कैंप्स हैं, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के पास वो चीज़ें नहीं हैं। अगर ना इंडिया आर्मी लोगों को भेजता है पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, तो अगर हम यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर के डिटरेंस की बात करें तो हमारे पास डिटरेंस प्रॉक्सी वॉर का है ही नहीं, क्योंकि ना तो हम
यहाँ से टेररिस्ट को भेज रहे हैं, ना ही हम जो है हमारे पास टेरर लॉन्च पैड्स हैं, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी हो गई म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, वो यहाँ वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए हमें जो है क्या करना होगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। जैसा कि हमने किया था, हमने जो रिटेलिएशन है पाकिस्तान, जो हम टिट फॉर टैट एक्शन करते हैं, तो वो हम हो सकता है मॉरली रिपंजेंट हो, पर जब अगर हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं टेरर कैंप्स के ऊपर, ये जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। जब हमने अपना उरी में जो बालाकोट का स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जब हमने कैंपेन किया था बालाकोट में, उसके बाद पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने हमें कुछ नहीं कहा ना। हम आसानी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए थे और हमने जो है टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे। तो इस तरह की अगर हम नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हैं, तो इससे हमें जो है सहायता मिलेगी और डिटरेंस इससे जो है क्रिएट होगा, तभी पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वॉर को, एटलीस्ट अगर पाकिस्तान नहीं प्रॉक्सी वॉर यूज़ करना कम करता है, एटलीस्ट उसको बहुत ज़्यादा जो है डैमेज इन्फ्लिक्ट होगा। टेरर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसमेंटल हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी तरफ से ये सीज फायर वायलेशंस वगैरह भी कम होने लगेंगे। तो हमें अगर एजर्ट करना है, अपनी एजर्ट करना है इक्विवेलेंस को, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंटेंडेड टारगेट्स को हिट करना होगा। इंडिया और पाकिस्तान इक्वल नहीं है, ना तो इकोनॉमी के टर्म्स में, ना मिलिट्री माइट में, ना ही डोमेस्टिक रीच में, ना ही पॉलिटिकल सिस्टम्स में। इसीलिए कोल्ड वॉर की जो थ्योरी होती है म्यूचुअली एश्योर डिस्ट्रक्शन की, इसको फॉलो करने की जगह हमें क्या करना है, हमें प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स की अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। हमें इसराइल से लेसन लर्न कर सकते हैं, जो भी हमारे टेरर कैंप्स हैं, जो भी इंडिया के खिलाफ जहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम नॉन, अगर आपका स्टेट एक्टर कहीं पे भी आपका जो है एक्टिव है इंडिया के खिलाफ, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्री एम्प्टिवली इन नॉन स्टेट एक्टर्स को स्ट्राइक करके इनको डिस्ट्रॉय करना है, जिससे कि इंडिया जो है प्रेशर डाल सके पाकिस्तान के ऊपर, और इंडियन आर्मी को प्रेशर जो है एलओसी पर मेंटेन रखना है, जिससे कि हम अपनी जो डिटरेंस की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकें। आप छोटे जो हमारे दो हमें और पढ़ने हैं वो और देख लेते हैं, द हिंदू से और इंडियन एक्सप्रेस से दो छोटे एडिटोरियल्स को और देख लेते हैं। तो आपका पहला एडिटोरियल है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। तो क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन का जो एडिटोरियल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कहा गया है कि जब धीरे धीरे हमने जो है इंटरस्टेट माइग्रेंट को जैसे हमने जाना अलाउ कर दिया है, ऐसे में एक जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि स्टेट्स के बीच में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग क्वारंटाइन के रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे जब वो ट्रेन से पहुँचे तो उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए बोला गया। अब पहले से उनको ये नहीं बताया गया था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है, या उनको ऑप्शन दी गई थी कि वो होटल में रह सकते हैं, होटल फैसिलिटी में क्वारंटाइन कर सकते हैं, पर होटल फैसिलिटी में क्वारंटाइन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अब अगर हम बात करते हैं बिहार की और यूपी की, तो यहाँ पे जो लेबर्स आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाला गया है, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बहुत सारे लेबर्स भाग भी गए थे, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ पुअर हैं, पुअर फैसिलिटीज़ की वजह से। अब केरला की अगर बात करते हैं, तो केरला ने जो है बोला था कि जो भी लोग ट्रेन से पहुंच रहे हैं केरला में, उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है, जो भी लोग प्लेन से पहुंच रहे हैं उनको 14 डेज का जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराया जा रहा है। केरला ने डिमांड किया था कि 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराइए और 7 डेज का जो है होम क्वारंटाइन कराइए। फिलहाल ये डिमांड जो है गवर्नमेंट ने नहीं मानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं मानी है। तो इस तरह से जो कन्फ्यूजन है ना कि किसमें कौन से स्टेट में कितना क्वारंटाइन होगा, इससे कहीं ना कहीं एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये देखा भी गया था जब पहला जो रिलीफ ट्रेन गई थी, वहाँ से जो लोग अपने स्टेट्स गए थे वापस दिल्ली लौट आए, तो ये हमें दिखाता है कि स्ट्रैंडेड हैं लोग, और जो कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो अब इसको एड्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है। इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसको एड्रेस करने के लिए स्टेट्स को जो है एक एग्री करना होगा कि कितनी पीरियड होनी चाहिए क्वारंटाइन की, क्या बेसलाइन होना चाहिए, डिसेंट जो है ऑफिशियल एकोमोडेशन, उनको फ्री ऑफिशियल एकोमोडेशन देना चाहिए। उसके अलावा जहाँ पे टेस्टिंग के जरूरत रेट हैं वो काफ़ी हमें बढ़ाने होंगे। फिर हमें एक स्ट्रेटिफाइड अप्रोच यूज़ करनी होगी। स्ट्रेटिफाइड अप्रोच मतलब कि किस किस को क्वारंटाइनिंग देनी है, कितने एरियाज, कौन से एरिया से कितनी क्वारंटाइनिंग होगी, क्या फैसिलिटी होगी, इसका हमें एक प्रॉपर SOP जो है डिज़ाइन करके देना होगा। और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट बेहतर तरीके से कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक अच्छा स्टेट्स के कंसल्टेशन के साथ अगर एक अच्छा SOP बनाती है क्वारंटाइन की फैसिलिटी पे, तो इससे जो हमारा खतरा है वो भी
घटेगा और क्वारंटाइनिंग भी बेटर तरीके से हो पाएगी। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए, या अगर हम होटल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पेड क्वारंटाइन के लिए देखना होगा कि लोगों से ओवरचार्ज ना किया जाए, और कैपेसिटी जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो क्वारंटाइन की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी, तो ये हमें रैंप अप करना है। दूसरा हमें आर्टिकल देखना है TSMSE ट्रैवलेशन तस्माक ट्रैवलेशन। तो ये आर्टिकल कहता है कि तमिलनाडु, अभी इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए तमिलनाडु का क्या हुआ था केस, तमिलनाडु ने लिक्विड सेल शुरू किया था बाकी स्टेट्स की तरह। तो लिक्विड सेल जो है जब आउटलेट्स पे हो रहा था वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे थे, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इनको जो है ऑर्डर किया तमिलनाडु की गवर्नमेंट को कि अब आप बंद कर लीजिए, आप जो है कोई भी लिक्विड सेल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन सेल करेंगे क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने दलील दी कि हमारी ये पब्लिक पॉलिसी है, जो हम चाहें वो कर सकते हैं, और हम आपको इंश्योर करते हैं कि हम फिज़िकल डिस्टेंस के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, प्लीज़ हमें अलाउ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट की इस ऑर्डर को, इस जो है अपील को माना, और हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको बंद कर दिया, और अब बोला है कि क्योंकि ऑनलाइन जो सेल है वो हर जगह नहीं हो सकती, फिजिकल सेल भी आउटलेट्स पे, तस्मा के आउटलेट्स पे होगी, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है वो फॉलो किया जाएगा। अब लोगों की अगर बात करें तो लोगों के दिमाग में ये जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट का मूव है ना, काफ़ी अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर मूव है ये सेल ऑफ लिक्वर, क्योंकि चेन्नई में हमने देखा था एक फ्रूट मार्केट से एक क्लस्टर डेवलप हो गया था, और क्लस्टर डेवलप होने की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस जो है तमिलनाडु में बढ़ गए थे। इसीलिए लोगों को डर है कि अगर फिज़िकल सेल होती है लिक्वर की, अल्कोहल की अगर फिज़िकल सेल होती है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है कि देखिए यहाँ पे तमिलनाडु में जो तस्माक के सेंटर्स हैं वो 5 से 10 रुपए ज़्यादा चार्ज करते हैं हर सेल के लिए, और ये टोटल जो है आपका करोड़ों का रुपया हो जाता है, इससे उनके जो है वेस्टेड इंटरेस्ट को ये मीट आउट करते हैं। तो रियलिस्टिकली जो है तस्माक के जब आउटलेट्स ओपन होंगे, हम रियलिस्टिकली अगर सच्चाई बोलें तो तस्माक के आउटलेट से कभी भी आप इजी नहीं होगा फिज़िकल डिस्टेंस के नॉर्म्स को फॉलो करना, इसीलिए ऑनलाइन सेल बेटर थी, और कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन सेल मतलब ये मजबूरी में ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को लिक्विड की सेल करनी पड़ रही है बिकॉज स्टेट ऑफ फिनेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो या तो हम फिनेंशियल स्टेट इसकी तमिलनाडु की गवर्नमेंट की इम्प्रूव कर दें, और बेहतर स्ट्रैटेजी तमिलनाडु की गवर्नमेंट के लिए ये होती कि अगर वो ऑनलाइन सेल करती। तो ये पूरा इस आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया, बाकी आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो जो चीज़ें अंडरलाइंड है वो चीज़ देख लीजिएगा। ऑलरेडी जो हाईलाइटेड PDF है वो मैंने आपके @civilsayyari के नाम से जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का वहाँ पे शेयर कर दिया, तो आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमें देखना है वो इंडियन एक्सप्रेस से है, फ्रीइंग द फार्म, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कल जो ट्रेंच आपके जो भी अनाउंसमेंट किया था थर्ड ट्रेंच वाला, वो काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट रहा, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को जो है फ्री अप करेगा। 1991 मूवमेंट है एग्रीकल्चर के लिए, तो इन्होंने क्या बोला कि अब फार्मर्स को APMC मंडीज में जो है सेल करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जहाँ चाहें वहाँ सेल कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक पहले एक वो रहता था कि स्टॉक मेंटेन मिनिमम एक इतना ही स्टॉक कर सकते हैं, के ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, वो वाली रिक्वायरमेंट भी हटा दी गई है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छा एक मूव है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि लॉन्ग टर्म जो है इनका इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट टर्म इससे रिलीफ नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगी, मिलेगी बट बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगी। तो जो तीसरा ट्रेंच था इकोनॉमिक पैकेज का, फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो अनाउंस किया गया था, जिससे कि जो एग्रीकल्चर और एलीट एक्टिविटीज़ के लिए था, उसमें दो सेट ऑफ मेजर बनाए गए थे। पहला स्टेप था कि क्रेडिट को बूस्ट किया जाएगा एग्री इकोसिस्टम में, और इसको जो है सब्सटेंशियल एलोकेशन के थ्रू बैक किया जाएगा। तो सेकंड जो था वो काफ़ी अच्छा एक अनाउंसमेंट रहा, उसमें जो है एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट को जो है अमेंड करने का इंटेंशन गवर्नमेंट ने शो किया है, जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स आ पाएंगे और लीगल फ्रेमवर्क जो है इसके लिए डिज़ाइन किया जाएगा, और डायरेक्ट डीलिंग हो पाएगी फार्मर्स की और बायर्स की। तो आप जो है मंडी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बायर को बेच सकते हैं। अगर इनको
अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया तो ये बहुत अच्छा जो है रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। और ये रिफॉर्म जो है पॉलिसी एजेंडा पर थे एनडीए गवर्नमेंट की, बट गवर्नमेंट अब इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करके इनको पुश करना चाहिए। सीतारमन जी ने कहा कि ये जो एक्ट है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये तब इनेक्ट की गई थी जब जो है आपके पास फूड की स्कैसिटी थी, तो ये एक्ट अब प्लेंटी के टाइम में वर्क नहीं करेगी। इससे जो है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाती है स्टॉक होल्डिंग के लिए, और इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स जो है डिसइन्वेस्टराइज होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर जाना चाहते फार्म सेक्टर में, क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वेयर हाउसिंग में वो नहीं कर पा रहे थे इन्वेस्टमेंट, और स्टोरेज में क्योंकि वो स्टॉक ज़्यादा नहीं रख सकते थे। तो आप ये जो आपका होगा इसी वजह से एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन नहीं डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से फूड आइटम, एक गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट था एक फूड आइटम को एक्सक्लूड करना, जैसे कि सीरियल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, पल्सेस हो गए, अनियन हो गए, पोटैटोज़ हो गए, और उसके अलावा स्टॉक लिमिट को जो है रिमूव करना, ये एक काफ़ी अच्छा मूव है, और इससे जो है रिफॉर्म्स जनरेट होंगी इंडिया के अंदर। कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी ये रिफॉर्म्स कर दिए थे, जैसे कि पंजाब ने और मध्य प्रदेश ने, उन्होंने जो है थोड़ा सा ओपन अप कर दिया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। अब ऐसे इनिशिएटिव जो है स्टेट्स में ट्रिगर हुए थे क्योंकि उनको प्रेशर रिलीव करना था मंडी से, बट अब लॉन्ग टर्म में क्योंकि हम एपीएमसी एक्ट को ही चेंज कर देंगे तो लॉन्ग टर्म में बाकी स्टेट्स के लिए भी ये मेजर्स लाने काफ़ी ईजी हो जाएंगे। अब अभी क्या सिचुएशन है, आज के टाइम में सिचुएशन ये है कि फार्मर केवल अपनी प्रोड्यूस को लाइसेंस एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस मतलब मंडी में ही बेच सकता है। सेंटर का ये मूव जो था एग्रीकल्चर के ट्रेड के को जो है इम्प्रूव करेगा, ये एपीएमसी एक्ट को चेंज करना एग्रीकल्चर ट्रेड को इम्प्रूव करेगा, और फार्मर्स जो है एनेबल हो जाएंगे कि वो अपनी प्रोड्यूस को कहीं पर भी किसी को भी, किसी भी ट्रेडर को, किसी भी रिटेलर को फ्लेक्सिबली जो है सेल कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, फार्म टू फॉर्क जो है चेन्स डेवलप होंगी इंडिया के अंदर, और इससे जो बेनिफिट होगा वो फार्मर का होगा। प्रोसेसर, एग्रीगेटर और जो लार्ज रिटेलर्स हैं इनको एक पुश मिलेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। तो ये पॉलिसी जो है काफ़ी साल से आना चाहिए थी, नहीं आ पाई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनडीए गवर्नमेंट को ये एक अच्छा मौका मिला है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की, और इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी चाहिए। दूसरा जो हमें देखना है वो बैक ऑन द मूव है कि पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट हमें ओपन अप करना है तो हमें ये देखना होगा कि उन लोगों के लिए एक्सेसिबल कराया जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सेफ जो है ट्रांसपोर्ट करना होगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वैसे भी इंडिया की अगर बात करें तो हमारी जो कैपेसिटी है वो कम है, तो हमारी जैसे दिल्ली की अगर बात करते हैं तो सिटी का फ्लीट ऑलमोस्ट 30% कम है। इसी तरह से अगर हम दिल्ली की बस डीटीसी बसेस की बात करें या मेट्रो की बात करें, दोनों चीज़ में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा, जब पीक आवर्स में ये रन करते थे तब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी होगी, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में ये चैलेंज है, और फिर हमें जो है रिज्यूम करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। दिल्ली की जो पिच है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिज्यूम कर दीजिए वो अच्छी है, बट उसको जो है आप इंश्योर कैसे करेंगे, कम से कम लोग हों एक बस के अंदर वो आप कैसे इंश्योर करेंगे, या मेट्रो के अंदर जो है कम से कम लोग ट्रैवल करें वो इंश्योर करने के लिए आपके पास उतना जो है फ्लीट होनी चाहिए, ये चीज़ इस आर्टिकल में कही गई है। तो इंडियन सिटीज़ को नए नए वेस और मीन्स देखने होंगे कि अवेलेबिलिटी हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उन लोगों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो इसके लिए हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, अब एक आंसर और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना डिस्कशन क्लोज करेंगे। तो कल का जो हमने CNA दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस, उसका जो ये सेकंड क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, उस पर ये आंसर लिखा है एक बच्चे ने, उसकी मैं कॉपी आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये जो इनका इंट्रोडक्शन है ये अच्छा है, बट इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है असरदार इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इन्होंने टू द पॉइंट हिट किया है, बट अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं तो जो है जो भी चेकर है उसके दिमाग में वो चढ़ जाएगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेटा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये काफ़ी अच्छा पैराग्राफ है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ किया है, बट डायग्राम में ये कमी की है, यहाँ पे नहीं होना था, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन दिखानी थी और केरला की तरफ विंड्स जाती है ये दिखाना था, और उसके अलावा यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं लिखना है क्योंकि आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं। तो अगर आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं तो आपको डायग्राम्स में भी आप हिंदी में ही यूज़ कीजिए,
हिंदी से इंग्लिश में स्विच मत कीजिए। फिर ओवरऑल बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है। ये भी ये जो डायग्राम है ना, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है। ये जो इन्होंने डायग्राम बना दिया, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है। अगेन हाई प्रेशर इन्हें यहाँ पे डालना है, लो प्रेशर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो विंड्स जो है दो तरफ में डिवाइड हो जाएंगी, इसीलिए ख़राब मानसून आएगा। तो बहुत अच्छा ये डायग्राम इन्होंने लिखा है। वेव फॉरवर्ड जो है मिसिंग है इनके में, IMD ने क्या को क्या करना चाहिए था वो मिसिंग है, और आगे से हमें मानसून मॉडल में क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ इसमें मिसिंग है। तो इस तरह से आप भी अपने आंसर्स को भेजिए। देखिए इस तरह से अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो अच्छा डायग्राम बनाइए। इंडिया जो है आपको प्रॉपर शेप में बनानी है, चाहे तो सिर्फ जो है नीचे वाला हिस्सा बना सकते हैं, अगर चाहे तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही छोड़ दीजिए। नीचे वाला हिस्सा बनाइए, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनाइए, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनाइए, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में लो प्रेशर जोन बना सकते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह दो तरफ विंड चली जाएगी, अगर आपको अच्छे से डायग्राम नहीं आता है, नहीं तो कोशिश कीजिए कि डायग्राम बिल्कुल सही हो। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। ये मॉडल आंसर नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा आंसर है, तो आप भी लिखिए, मेरे को भेजिए, बीच बीच में जिसका मेरे को आंसर थोड़ा सा अच्छा लगेगा मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी। अगर आपको आंसर्स भेजने हैं आप @civilstayari नाम का हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो help.civilstayari@gmail.com वहाँ पे भी मुझे आंसर्स भेज सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।